नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल CNC गुरु महेंद्र वर्मा में। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही खास वीडियो लेके आया हूँ दोस्तों। आज की इस वीडियो में दोस्तों आज मैं आपको सेंटर आउट रेडियस कैसे लगाते हैं उसका आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों ये जो सेंटर आउट रेडियस है ये मैं आपको किस प्रकार से बनेगी वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले ऐसे साथी जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरा यूट्यूब चैनल पहले सब्सक्राइब करें और मेरा लिंक के अंदर दिया गया व्हाट्सअप ग्रुप और मेरा जो फेसबुक पेज है उसको ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि नई कोई भी वीडियो आने वाली होती है तो सबसे पहले जो जानकारी है हमारे व्हाट्सअप पेज और हमारे फेसबुक पेज पे आती है। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है वो मैं क्या आपको बताने वाला हूँ तो आइए मैं आपको शुरुआत करके बताता हूँ। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेंटर आउट जो रेडियस होती है वो किस प्रकार से बनती है। तो आज मैं आप देखे मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक मेरे पास में इस प्रकार का रॉ मटेरियल है और इस रॉ मटेरियल के आधार पर मैं एक जो है वो पार्ट बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर जो है सेंटर आउट रेडियस लग रही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो देख लीजिए ये हमारा टूल जो है वो रन कर रहा है। इस प्रकार से टूल जो है वो रन करेगा और इसके बाद में आपको इस प्रकार का जो जॉब है वो आपको सामने बन के नज़र आएगा। तो दोस्तों एल्यूमिनियम की जॉब मैंने जो है वो मशीन के अंदर मैंने लगाई है और इस जॉब को बनाने के लिए मैंने जो ये प्रोग्राम जो है वो मैंने G71 के अंदर मैंने इस प्रोग्राम को बनाया है। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम है इसका जो लिंक है वो मैं आपको मेरी जो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका जो प्रोग्राम कैसे बनाया है उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा और प्रैक्टिकल का ये जो वीडियो है इसको आपने लास्ट तक देखना है और इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो दोस्तों आइए हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग जो है वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो वीडियो को आपने ध्यान से देखना है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी मशीन के अंदर मैंने ये एल्यूमिनियम की जो जॉब है वो मैंने लगा दी है और इस मशीन का जो है ये टरेट है छोटा सा और इस मशीन के अंदर है जो जॉब की जो लेंथ है वो मैंने 60 mm की ली है और ऑपरेशन जो है लगभग 44 mm या बस इतना सा होगा। और तो इसको जो हमने इसको ऑटोमेटिक मोड में जो है मैं इसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे मशीन का जो मोड है वो मैंने ऑटो मोड सेलेक्ट किया है, ओके, और मशीन का जो है मैंने साइकिल स्टार्ट यहाँ पे कर दिया है। तो हमारी जो मशीन है वो ऑपरेशन के लिए रेडी हो गई है और मशीन ने मटेरियल को काटना शुरू कर दिया है। मशीन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है।
मशीन दोस्तों बिल्कुल अच्छा वर्किंग कर रही है, बहुत बढ़िया पार्ट को बना रही है। जैसे जैसे कट लेती जा रही है वैसे का वैसा यहाँ पर शो करती जा रही है। इसका मतलब यह है कि मशीन ने इतने जो कट है वो काट दिए हैं। कंप्यूटर पे आपको हैंड टू हैंड दिखता रहेगा। हाईटेक कंपनी की मशीन है, बहुत ही अच्छी मशीन है और सारा सिस्टम जो है वो मशीन का एकदम बहुत अच्छा है। जो कट लेती जा रही है वो सारा का सारा कट आपको यहाँ पे दिखता जाएगा। जो भी कट लेती जा रही है सब कट आपको यहाँ पे नज़र आएगा। बहुत सारे स्टेप इसने काट दिए हैं, बहुत बढ़िया जो है जो बना रही है मशीन। जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पर देखिए आपको जो भी कट हैं वो सब नज़र आ रहे हैं। मशीन ने रेडियस का जो कट है वो लेना शुरू कर दिया है। बहुत ही बढ़िया कट लगा रही है मशीन। मशीन ने दोस्तों फिनिश कट लेना शुरू कर दिया है। देखिए बहुत ही अच्छा पार्ट बना रही है, बहुत ही बढ़िया फिनिश कट लेना शुरू कर दिया है। रेडियस बन रही है आगे से, बहुत ही मस्त पार्ट बना है एकदम, बहुत अच्छा पार्ट बना रही है। रेडियस बनाना शुरू कर दिया है फिनिश कट के अंदर, बहुत ही अच्छा पार्ट बनाया है। रोज फिनिश कट लेगी इसमें,
प्रोग्राम दोस्तों कंप्लीट हो गया है। वाओ दोस्तों बहुत ही अच्छी जॉब, देखिए किस प्रकार से जॉब बनी है हमारी, बहुत ही अच्छी। इसका जो फोटो है मैं आपको बिल्कुल नज़दीक करके दिखा देता हूँ कि जॉब हमारी जो है किस प्रकार से जो है वो बन गई है। मैंने चक को थोड़ा सा दूर किया है, सॉरी करेक्ट को दूर किया है, और जो आपको देखेंगे वो बहुत ही अच्छी जॉब बनी है। देखिए दोस्तों ध्यान से क्या जॉब बनी है, बिल्कुल एकदम जो ड्राइंग के अंदर थी वही जॉब बनी है दोस्तों। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, जॉब को मैंने बाहर निकाला है। वाओ दोस्तों इसके कायल हो जाएंगे अगर आप इस जॉब को देख लोगे ना, इसकी जो फिनिशिंग है उसको अगर आप देख लोगे तो इसका बिल्कुल मशीन के कायल हो जाओगे। मेरी प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा जो राज है वो यही है कि मैं एकदम जो चीज़ बनाता हूँ एकदम एक्यूरेट बनती है। जैसा कि आपने प्रोग्रामिंग में देखा था सेम वैसी चीज़। आइए मैं आपको मैच करके दिखाता हूँ कंप्यूटर के द्वारा और जॉब को। तो देखिए दोस्तों आपको जो जॉब है वो नज़र आ रही है, आपको कोई अंतर नज़र नहीं आएगा। देखिए बिल्कुल एकदम जैसी प्रोग्रामिंग वेस उससे अच्छा कहीं जो है वो पार्ट बना है। तो आप मेरे चैनल को जो है वो दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और जो मेरी जॉब है उसको देखिए कितने प्यार से इस मशीन ने जो है बनाया है। धन्यवाद दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए बस इस वीडियो को। तो दोस्तों देखा आपने मेरी CNC मशीन की प्रोग्रामिंग का कमाल, कितना प्यारा जो है वो पार्ट बना है। इसकी जो प्रोग्रामिंग है इसकी जो प्रोग्रामिंग का जो लिंक है वो मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्रैक्टिकल तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा, बिल्कुल एकदम बुलेट की जो बंदूक की बुलेट होती है उसकी तरह ये प्रोग्राम बना है। इसको इतना हिस्सा जो देखिए कितना प्यारा बना है, मशीन की फिनिशिंग और मशीन के अंदर जो प्रोग्रामिंग जो मैं करता हूँ वो बिल्कुल एकदम एक्यूरेट होती है। और प्रैक्टिकल मैं इसी प्रकार से ही आपको आगे जो है वो बना बना के जो आपको दिखाता रहूँगा ताकि आप अपनी प्रोग्रामिंग को एक मजबूत कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा वो आप लोग जो है अपने फ्रेंड्स को जो है वो शेयर करते रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।